अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे अचार का मसाला बनाना। उसके लिए हम एक चम्मच तो जीरा लेंगे, ज्यादा ठीक है। इसमें हम ये तकरीबन 3 चम्मच हमने धनिया लिए हैं, साबुत धनिया। ये 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच हमने सौंफ लिया है, ठीक है जी। मेथी दाना 1 से 1.5 चम्मच, इसमें ये कलौंजी जाएगी तकरीबन 1 चम्मच, ये तकरीबन 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अब इसमें ये मिर्चे जाएंगे तकरीबन ये 15-20 मिर्चे और जनाब इसमें जो ये हमारे मिर्चों के नीचे बीज रह गए हैं 1 से 1.5 चम्मच हम भर के तकरीबन 3 चम्मच हो जाएंगे ये हमारे मिर्चों के बीज। ये हमारा अचार का मसाला है जिसको हम मिर्ची में डालेंगे। बीज ऑप्शनल है, मेरे तो बचे हुए थे इसलिए मैंने डाल दिए हैं जनाब, ठीक है। ये अचार का मसाला है अचारी गोश्त बनाने के लिए। अगर आपको मिर्चे कम लगे तो फिर इसमें आप 1 चम्मच, जब अचारी गोश्त बनाए तो कुटी हुई मिर्चे डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है जनाब। ये हो गया सारा हमारा मसाला गया। हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए ये अचार का मसाला रेडी है। ये मिर्चों में भर के बनाए, अचार गोश्त में बनाए, ये देखिए, ठीक है जनाब। इसको एक जार में भर के रखे, ये देखिए, ये तकरीबन आपका 2 माह चलेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी चीज ही नहीं डाली जिससे हमारा मसाला खराब हो। सारे घर के मसाले हैं, घर के मसालों से बना और बहुत टेस्टी होता है। इससे हरी मिर्चे बनाए, अचार बनाए, अचार गोश्त बनाए, जो आपका मन करता है वो बनाए। ये हमारा अचार गोश्त मसाला रेडी है। इसको इस्तेमाल करें, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।